नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो लर्निंग लाइसेंस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, रूल रेगुलेशन के बारे में आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो इस आपके स्क्रीन पे आपको साइन दिख रहे हैं, इन साइनों में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आज हम इन्हें दूर करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रैफिक साइन तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जो ट्रैफिक साइन है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आदेशात्मक, दूसरे नंबर पे चेतावनी, तीसरे नंबर पे सूचनात्मक। ठीक है दोस्तों, आदेशात्मक जो साइन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आदेशात्मक, ये सर्कल में होते हैं, लेकिन आदेशात्मक में कुछ निशान ऐसे हैं जैसे कि ये ट्रायंगल टाइप है और ये थोड़ा अलग है सेकंड लास्ट वाला। बाकी चेतावनी वाले ट्रायंगल में होते हैं और सूचनात्मक रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो दोस्तों, हम पहले आदेशात्मक के जो चिन्ह हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो आदेशात्मक जो भी हमारे सामने साइन है ये सब सर्कल में होते हैं। आदेशात्मक की आपको सबसे पहला चिन्ह है, ये सर्कल में होते हैं। आदेशात्मक में अब दो तरीके के निशान होते हैं। एक होते हैं प्रतिबंधित, अगर आप इन्हें हिंदी में बोलोगे तो ये प्रतिबंधित हैं, इंग्लिश में बोलोगे तो प्रोहिबिटेड होते हैं। दोस्तों देखो, सर्कल में निशान है और ऊपर से एक लाल डंडा खिंचा हुआ है, तो ये होता है मना, यानी हिंदी में प्रतिबंधित, इंग्लिश में प्रोहिबिटेड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन का समझने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि आप सेकंड लाइन में सेकंड निशान देखिए, साइकिल मैन्यूवर्स, उस पर डंडा खिंचा हुआ है, तो यानी इसका मतलब है इस रोड पे साइकिल प्रतिबंधित है, साइकिल मना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि अंदर निशान क्या बना हुआ है, वो निशान प्रतिबंधित है। जो भी आपके ऑप्शन में तीन तरह के ऑप्शन है उनमें प्रतिबंधित है। लेकिन दोस्तों, आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट लाइन में सेकंड और थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन में आप देखिए, सेकंड जो निशान है एक एरो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ गया हुआ है, लेकिन डंडा एक ही एरो पे है, तो इसका मतलब है कि एक तरफा रास्ता बंद है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वन वे साइन, ये वन वे का साइन होता है। आप ये मत कर देना वहाँ पे ऑप्शन में कि दोनों तरफ रास्ता बंद, दोनों तरफ प्रतिबंधित, ये एक तरफ है, इस बेसिक समझने की बात है। दोस्तों, अब आदेशात्मक में हम दूसरे निशानों की तरफ आ जाते हैं, जो है तो सर्कल में लेकिन नीले रंग में बने हुए हैं, इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का लाल तरीके का डंडा नहीं है। तो दोस्तों, इन निशानों की अगर हम बात करें तो ये होते हैं अनिवार्य, ये हमें अनिवार्य, ये चीज़ हमें करनी ही करनी है। जैसे हॉर्न बना हुआ है पहला निशान आप देखेंगे तो हॉर्न बजाना कंपलसरी, ये निशान वहाँ लगा रहेगा, हॉस्पिटल या स्कूल है, यहाँ पे आपको हॉर्न बजाना कंपलसरी ही है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हॉर्न बजाना कंपलसरी है तो वहाँ पे निशान। इसके अंदर हमें समझने वाली बात यह है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि अंदर निशान किस चीज़ को हमें इंडिकेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट में हॉर्न, सेकंड में साइकिल, यानी साइकिल मार्ग है यहाँ पे, यानी ये चीज़ होती है, आदेश ही हमें आदेश दे रहा है ये चीज़ होनी ही होनी है। ठीक है, इसके अंदर अब जैसे आप लास्ट में देख सकते हैं एरो बना हुआ है, तो ये एरो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न इस चीज़ का बना हुआ है। बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले निशान की तरफ। ये देखो दोस्तों, हमने अभी आदेशात्मक के बारे में बताए थे। आदेश का मतलब होता है अगर कोई हमें आदेश दे, हम उसे ना माने तो उसके ऊपर हमारा चलान हो सकता है, क्योंकि आदेश हमें मानना होता है। दूसरा होता है चेतावनी। चेतावनी का मतलब है दोस्तों, हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, चेतावनी का मतलब ये होता है ये हमें चेतावनी इंडिकेट कर रहा है, इस पर कोई चलान नहीं है, चेतावनी दी गई है, आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। चेतावनी में निशान होते हैं, जैसे देखो एक लड़का और लड़की भाग रहे हैं बैग लेके हाथ में, तो आगे स्कूल है, या आगे डेंजरस डिप है, गड्ढा है, आगे लेफ्ट हैंड पे एकदम से मोड़ है, इसमें ऐसे निशान होते हैं। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं थर्ड लाइन में सेकंड निशान, एक पहाड़ी सी है उसके ऊपर से कुछ गिर रहा है, तो लिखा है फॉलिंग। दोस्तों एक मिनट, ये कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड की हुई थी, वो डाउनलोड हो गई है, उसके लिए सॉरी। दोस्तों आप देख रहे हैं तो पहाड़ी से पत्थर लुढ़क रहे हैं, आप इसको देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आराम आराम से इसको आगे कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चेतावनी में आपको अंदर ये देखना है कि किस चीज़ के बारे में हमें इंडिकेशन मिल रही है, वो चेतावनी होती है, और चेतावनी हमेशा ट्राइंगल में होती है। सिर्फ आपको अंदर ये देखना है, जैसे आप फर्स्ट निशान देख सकते हो एक गड्ढा टाइप बना हुआ है, तो दोस्तों इसका मतलब है ये डेंजरस डीप है, ठीक है, यानी कोई बड़ा गड्ढा है इसमें आगे, तो बस यही इसकी पहचान होती है।
दोस्तों अगर हम अगले निशान पर चेतावनी वाले के, तो दोस्तों उसमें भी यही बताया गया है, अंदर आपको फॉलो करनी है जो भी अंदर निशान बना हुआ उसके हिसाब से कि आगे वो है। जैसे आप सेकंड लाइन में सेकंड देखें, दो एरो टाइप बने हुए हैं तो उसका मतलब है नैरो ब्रिज। जैसे आप चौड़े रास्ते पे जा रहे हो, आगे कोई पुल आ जाता है तो हमें पहले अगर ऐसा निशान लगा हुआ है तो यानी आगे नैरो ब्रिज या कोई पुल है। ठीक है दोस्तों, चेतावनी के बहुत सारे साइन हैं, आप देख सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, अगला आता है सूचनात्मक, जो हमें सूचना देता है। जैसे हम हाईवे पे चल रहे हैं, ब्लू रंग का चकोर डब्बे में अगर कोई निशान है तो वो हमें सूचना दे रहा है। सूचना का मतलब ये होता है दोस्तों, आगे होटल है, आगे औद्योगिक क्षेत्र है, आगे पुलिस स्टेशन है। आप देख सकते हो इनमें सभी प्रकार के निशान में कोई ना कोई चीज़ बनी हुई है, या तो पुलिस या पेट्रोल पंप या बस या रेलवे स्टेशन। रेल बनी हुई है तो आगे रेलवे स्टेशन है, गाड़ी बनी हुई है उसके ऊपर पी लिखा हुआ है तो आगे पार्किंग एरिया है। दोस्तों ये इस तरीके के निशान होते हैं, तीन तरह के निशान हैं। आपको ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, समझने के ऊपर की बात है, आप जैसा समझोगे वैसा आपको ये समझ आएगा। बड़े ही सिंपल होते हैं, आप एक बार इनको पढ़ें आप अपने टेस्ट में, इससे आपको बहुत ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।